सो है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फाइनली बहुत टाइम बाद मैं अपना होम टूर ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा होम टूर ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी घर की एंट्री स्टार्ट होती है। मैं रहती हूँ सेकंड माले पे, तो ये मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। ये देखो, नीचे का मेरा गेट था, उसको मैंने खोला। अब धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं। अभी देखो, हाँ चलो ऊपर चलो। चलो अंदर चलो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं तो सामने कुर्सी पड़ जाता है और कुर्सी पे थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम अंदर आओ बेटा, सबसे पहले हम बाहर का ये लाइट बंद करते हैं। अंदर आओ, हाँ मैं चालू करती, रुक जाओ। मम्मी, हाँ एक गिर जाएगी, वहाँ पे मत करो ऐसा, गिर जाओगी, चोट लगेगा, फिर बता रही हूँ। तो ये है दरवाज़ा, यहीं से हम अभी अंदर आए थे। ऐसे मैंने बंद कर लिया है, ये दिन भर बंद ही रहता है जब मुझे बाहर जाना रहता है या इनको बाहर खेलने जाना रहता है तब ये दरवाज़ा खोलते हैं, वरना मैं कहाँ जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती, सब्जी वगैरह लेना रहता है तभी हम जाते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा, जैसे हम एंटर करते हैं सामने ही ये कुर्सी पड़ जाता है, नीचे उसका बच्चा है, कुर्सी का बच्चा है, मजाक कर रही हूँ, मेरी शोना का यानी कि मेरी बेटी का कुर्सी है। ब्लर क्यों आ रहा है, एक मिनट। हाँ, नीचे मेरी शोना का कुर्सी यानी मेरी बेटी का, और कुर्सी पे थोड़े कपड़े रखे हैं और एग्जैक्ट कुर्सी के सामने यानी दरवाजे के सामने ये मैंने अपने हाथ से बनाया है माइक्रम का फ्लावर रखने वाला, ये मैंने हाथ से बनाया है, इसे मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया है, इसको मैंने रेडीमेड लेकर आया है। और सामने ये देख सकते हो जन्नत का दरवाज़ा, और ये मस्त लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, एकदम सामने पड़ जाता है। फिर दरवाज़े के ही एग्जैक्ट सामने ये हम लोगों का बर्तन का रैक, जो कि पहले नहीं था, अभी हमने इसको लगाया है, नहीं लगाया था तो बर्तन पूरे इधर उधर पड़ रहे थे, इसलिए हमने इसको लगाया। ये हमारा हॉल में ही है, यहाँ पे किचन क्या हॉल क्या सब एक ही है। यहाँ पे हॉल में ही किचन होता है, हॉल में ही बाथरूम होता है, हॉल में ही सब कुछ होता है। तो देखो ये सामने ही मेरा बर्तन रखने वाला रैक, जहाँ पे देखो मैंने सारे अपने बर्तन को इस तरीके से सजाया है। अभी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा सारे बर्तन, पर क्या करूँ, होता रहता है, सबके घर में ऐसे ही हाल होगा। और ये कुछ पन्नी है जो मार्केट से लेकर आती है तो बच जाता है, तो इसको मैं रख लेती हूँ ताकि कचरा वचड़ा फेंकूँ इसमें। और ये मेरा फ्रिज है, हायर का फ्रिज है, ठीक है। और ये मेरा टेबल है, ये है, अभी देख लो, मैं 6:30 बजने वाले हैं तब वीडियो बना रही हूँ। ये एकदम एग्जैक्ट सामने, रुको मैं पीछे से दिखाती हूँ, एग्जैक्ट सामने छोटा सा मेरा किचन है, वो किचन है, और सामने टीवी है, और टीवी के बाजू में मेरी शोना का चिंकी मिंकी है, और वो मशीन है, जब मुझे यूज़ करना रहता है तब मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा लाइट का फोकस वहाँ पे क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको आगे करके सिलाई करती हूँ। तो अभी मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको इधर रखा हुआ है। और ये बैग है, बैग में कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे निकाल के कबर्ड में सजाना है, तो कबर्ड में जो कि जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और नीचे वो साइड में जो ड्रम दिख रहा है उसमें चावल रखी हूँ, और ये मेरी शोना का खिलौना है, और ये बैग में भी कुछ कपड़े हैं जो वैसे ही रखा रहेगा, उसको मतलब अभी इस्तेमाल नहीं करना इसलिए वहाँ पे रखा है। ये देखो, मैंने सीढ़ी वाले हिस्से को भी मैंने यूज़ में ला लिया है, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है।
अब इसी के टीवी देखा, टीवी के सामने ये कांच का मैंने लगवाई हूँ, उसके ऊपर मैं ये सब रखती हूँ, दवाइयाँ है या मेरी बेटी का वो देखो, देख रहे सामने केसर है, यही सब रखती हूँ बस। और यहाँ पे बोर्ड है ताकि हम चार्जिंग लगाएं, तो ये यहाँ पे रख सके ताकि मोबाइल ना गिरे, ठीक है। उसी के एग्जैक्ट सामने, मतलब किचन के मेरे सामने, ये देख रहे हो दरवाज़ा, जहाँ ये दरवाज़ा जहाँ से हम एंटर किए, और एकदम सामने मैं किचन में आके खड़ी हूँ, तब आपको ये पूरा दिख रहा है। वो हमारा बेड है, सोफ़ा प्लस बेड है। लाओ लाओ फार्दू, तू क्या आगे? हाँ? तू क्या आगे? आप। अभी मैंने इसको चॉकलेट दिया है, और ये देख सकते हो जैसे दरवाजे के बाजू में ही मैंने मेरी सोना का पार्किंग, मतलब साइकिल की पार्किंग लगा रखी है। सोना अंदर आ। ये मेरी सोना की साइकिल की पार्किंग है, और नीचे का फर्श इस तरीके का है, जो कि कितना भी साफ करो ये फर्श ऐसे ही दिखता है। ये देखो, ये मेरे बेडरूम, हॉल, किचन सब एक ही में है। तो उसी के सामने ये मेरा जो दिख रहा है ना, ये चाबी रखने वाला है, और ये ऊपर जो बॉक्सेस बने हैं उसमें आप कुछ भी रख सकते हो, मोबाइल चार्जिंग में लगा के डाल सकते हो, या कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो सब कुछ भी रख सकते हो। और उसके बाजू में ये मेरा सिंगारदान है, जो कि पूरे बॉक्सेस जो दिख रहे हैं ना, रैक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, वो खाली इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ पे अपने सारे मेकअप के सामान रखती हूँ। जैसे तो ये जो मेरी महान हस्ती है ना, घर की महान हस्ती, ये क्या करती है, पूरे अपने मुंह पे पोताई कर लेती है, इसीलिए मैं वहाँ पे वो चीज़ें नहीं रखती हूँ। अभी भी देखो तेल वगैरह रखा है ना, वो तेल आधा से ज़्यादा तेल किस वजह से ख़त्म हुआ बताती हूँ। ये पूरा अपने सर में पोत पोत के पूरा ख़त्म की है, और पूरे नीचे गिरा गिरा के ख़त्म की है, इसलिए वो तेल को भी मैं ऊपर रखती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उसको वहाँ पर रखी हूँ, अभी वहाँ से भी मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी नजर पड़ी तो दुर्घटना घटी। तो ये देखो, उसके बाजू में ही एग्जैक्ट मेरा कबर्ड है। आप लोग सोचोगे ये हैंगर मैंने इस तरीके से बाहर क्यों रखा, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़े से कपड़े वगैरह ऐसे लगा देती हूँ, ताकि ये पंखा मेरा ऊपर ही है ना, पंखे से वो जल्दी सूख जाए, इसलिए मैं वहाँ पे लगा के रखी हूँ। और ये उसके ऊपर मैंने बैग्स रखी हूँ, जो कि जब बाहर कहीं जाते हैं तभी वो बैग्स उतारती हूँ, वरना वो वहीं रहते हैं। और वो बास्केट है, बास्केट में कपड़े वगैरह थे मेरी सोना के, लेकिन जब हमारा कबाट आया तो सारे कपड़े उसके मैंने कबाट में डाल दी, और वो बास्केट खाली हो गया तो ऊपर मैंने रख दिया। अब ये आप लोग सोचोगे इतना घान क्यों कर रखा है, तो इसलिए रखा है कि जो भी बर्तन या फिर जो भी कांच की चीज़ें हैं या जो भी मेरे इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, उसे मैंने पैक हो करके इस तरीके से लगा दिया है। अब इससे अच्छे से मैं पता नहीं उसको कैसे रखूँ, मैं अब इतना मेरा हाथ ऊपर जाता नहीं है, इसलिए फिर मैं जैसे हो सके वैसा की हूँ। अभी मैंने सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना पर्दा लगा दूँ, पर्दा लगा दूँगी तो ये हिस्सा बहुत अच्छा दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही है, अभी जब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा तब हम देखेंगे पर्दा लगाने कैसे लगाना है। तो अभी फ़िलहाल मेरे से जितना हो सका है मैंने अपने हिसाब से किया है। अभी उसके सामने ये मेरी खिड़की है, खिड़की के नीचे ये मेरा पलंग है, और ये बाहर कपड़े सूख रहे हैं, ये मैंने इस तरीके से पर्दा लगाया है, और ये बेड पे मेरी सोना का गुड्डा लोग सो रहे हैं। और ये देखो, यहाँ पे मैंने अभी ये गुड्डा रखा था, ये झूले पे गुड्डा रखा था, लेकिन ये महारानी, मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला, ये महारानी नहीं रहने देती है गुड्डा, तो इसने अभी निकाल ली। और ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, माइक्रम का बनाया हुआ कांच का, ये यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, कंघी हो या जो भी आपको रखना आप रख सकते हो। और ये वाला भी मैंने बनाया है, जो कि मेरी बेटी ने इसके ऊपर चढ़ के तोड़ दिया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखी हूँ। और इसका देखो, ये कबाड़ खाना बन गया है। अभी इसको मैं निकाल दूँगी, अच्छा नहीं लग रहा है। और उसी के सामने ये मेरे कुरान शरीफ है, जय नमाज है, और कुछ पंसूरे हैं, और मेरी बेटी के नर्सरी के बुक्स है, जो कि अभी तक स्कूल नहीं जाती, लेकिन मेरे पापा की स्कूल है, तो मैंने अपने पापा की स्कूल से वो बुक्स मंगाई है ऐसे घर में पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ऊपर जैसे ये दिख रहे हैं, ऊपर में कपड़े, हम लोग मुंबई में मतलब देख रहे हो, इतने से
खिड़की दिख रही है, इतने से मैं अभी कितने कपड़े सूखेंगे, और इधर धूप भी नहीं आता है, तो फिर इसलिए घर में मैंने घर में कपड़े सुखा रही हूँ। मतलब मैं क्या यहाँ पे ज़्यादा से मतलब 90% लोग घर में ही कपड़े सुखाते हैं, बाहर कपड़े नहीं सूखते हैं, ये पंखे के नीचे ही कपड़े सूखते हैं मुंबई में। हमारा हॉल ये देख लो, ये है हमारा हॉल, छोटा सा घर है, छोटा सा घर है लेकिन दिल बड़ा है। ये देख यहाँ खिड़की से आप देखेंगे, ये देखो मेरी गली ऐसी दिखती है। बताती हूँ, ये जो ये पॉट दिख रहा है, नहीं नहीं क्या बोलते उसको, पौधा रखने वाला, वहीं पे दरवाज़ा है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहीं से सीढ़ी है, वहीं से अंदर जाते हैं, और ये गली कुछ ऐसे दिखती है। अब उसके पर्दे के पीछे है मेरा किचन, रुको अभी दिखाती हूँ। किचन में जाने से पहले आप मेरी शोना की चिंकी मिंकी से मिल लो, ये मेरी शोना की चिंकी मिंकी है, ये मैं इसे नहीं देती हूँ, कभी बहुत रोती है तभी मैं देती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं देती हूँ कि अगर ये लेती है तो इसका पैर अलग कर देती है, हाथ अलग कर देती है, मुंडी सब अलग कर देती है, तो ये पूरा इसका धजिया उड़ जाता है जब भी ये खेलती है इसे लेकर। इसीलिए जब ये खेल लेती है तो कहाँ कहाँ फेंकती है, तो उसे ढूंढ ढांढ के इसको जोड़ जाड़ के मैं इस चिंकी मिंकी को यहाँ पर लगा देती हूँ। और अब चलते हैं किचन में, ये देखो मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा ही किचन है, छोटू सा ही किचन है। ये सामने मतलब जो भी मेरी चीज़ें हैं आप लोग को दिख रहा है, फिनाइल वगैरह है, ब्रश वगैरह, मैं ऐसे सामने ही लगा के रखती हूँ। मेरी बेटी का दूध का बॉटल है, और ये सामने मेरा किचन है। अभी मैं अपनी बेटी को पापड़ तल के दे रही थी, तो तेल जो बच गया उसको ढक के मैंने इस तरीके से रखा है, और वो प्लेट में शायद, हाँ वो प्लेट में चावल है। ये मेरा किचन है, और ये नीचे कांच के बर्तन हैं, नीचे रखी हूँ, अभी जगह ही नहीं है कहाँ रखूँ, इसलिए मैंने उसको नीचे इस तरीके से रखा है। हालाँकि किससे डर है, लेकिन अभी क्या करूँ, अभी ऐसे ही है। मेरा सिलेंडर है, अब ये देखो, ये है मेरे सारे मसाले, चावल, दाल, जो भी मतलब घर में लगता है, सब राशन की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है, दिख रहा है। और ये इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही पानी आता है, सुबह आता है शायद 6 बजे आता है, 6 से 2 बजे तक रहता है, तो इसीलिए पीने का पानी भर के रखना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे पानी भर के रखा है। और वो बेसिंग है, बेसिंग में कब थोड़े बर्तन पड़े उसको धुलना है, धुलूँगी। और ऐसे पता नहीं मैंने सुना कि वहम हुआ कि कल पानी नहीं आने वाला है, तो मैंने ये 2 बाल्टियाँ भर ली थी बस। और ये सामने मेरा लेटरिन, ये बाथरूम, ये बाथरूम हो गया। अभी देखो मैंने बोला था ना रखा है, और वो सामने वो बर्तन रखने वाला रेक, और ये मेरी टाकी। अब ये बोलोगे ये पन्नी रखा है मैंने, जैसे कि बोला सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ तो पन्नी बच जाता है, तो मैं इसको इस तरीके से रख देती हूँ ताकि कचरा वगैरह भरना हो तो इस तरीके से पानी ये पन्नी में भर सकूँ। ये वो जगह दिख रही है जो खुली है, वहाँ पर एडजस्ट फैन लगाना है। अब अभी चलो हम किचन से निकल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आपसे फ्रंट से बात कर रही हूँ। मैंने अपना होम टूर दे दिया है, इससे ज़्यादा मेरा घर बड़ा नहीं है, इतना छोटा सा ही घर है। अब इसमें अभी हम देख लो कैसे एडजस्ट करते हैं, चीज़ें कैसे कैसे रखते हैं। मुंबई का घर ऐसे ही रहता है, मुंबई में आपको टांग भी फैलाने के लिए जगह नहीं मिलती है। आप सोच सकते हो इतना छोटा छोटा घर रहता है, इतने छोटे से घर में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आप सीढ़ी देखिए, सीढ़ी कितनी पतली रहती है, उसमें अगर सामान घुस गया तो ठीक है, नहीं घुसा तो या तो रूम खाली करो या फिर सामान भेज दो, यही नौबत आती है। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरा सामान घुस नहीं रहा था, तो हमने मेरे मतलब जो लकड़ी का कबाड़ देखा है ना, उसको पूरा हमने खोला था, तब सामान को निकाला था यहाँ से। उसी तरीके से मेरा सामान भी घर में आया है, वरना मेरा सामान भी घर में नहीं आता, तो हमें आप लोग सोच सकते हो कि क्या करना पड़ता। तो यही था मेरा छोटा सा घर, और यही है मेरा छोटा सा आशियाना। गाइज, आपको कैसा लगा मेरा होम टूर ब्लॉग? अगर आपको मेरा होम टूर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।